हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह तंवर और आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो जो कि हमारे हरियाणा में निकली हुई है। और ये वीडियो पंडित भगवत दयाल शर्मा रोहतक में निकली हुई है। और इसमें जो वैकेंसी है उसमें क्या कुछ मांगा गया है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी सैलरी लगाई गई है, उन सब के बारे में आपको बताऊँगा। और ये वीडियो आप पूरी देखना, कभी ये वीडियो आप पूरी देखोगे अंत तक तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक में इसकी वैकेंसी निकली हुई है। और ये वैकेंसी बताने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह तंवर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल टेक्निकल तंवर सिंह। इसमें आप सबका स्वागत है दोस्तों। इस चैनल इसमें जो फीस मांगी गई है वो ग्रुप ए की जो मेल के लिए है वो 1,000 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, और फीमेल की है फीस वो 500 रुपये है। और इसमें रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो मेल है उसकी 250 रुपये फीस है और फीमेल की 125 रुपये फीस है। इसके बाद जो ग्रुप बी की है उसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1,000 रुपये फीस है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 500 रुपये फीस है। और रिजर्व कैटेगरी में ग्रुप बी में इसमें मेल वालों की 250 रुपये फीस है और फीमेल की 12 रुपये फीस है। इसके बाद जो ग्रुप सी है ये कैटेगरी वाइज है, इसमें कैटेगरी वाइज जो जनरल की है इसमें मेल के लिए 600 रुपये है और फीमेल के लिए 300 रुपये है। अब रिजर्व कैटेगरी में इसकी मेल की 150 रुपये है और फीमेल की 75 रुपये फीस है। और इसकी जो डेट है स्टार्टिंग डेट वो 18/10/2018 से शुरू हो चुकी है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 12/11/2018 यानी रात के 11:59 तक ये लागू रहेगी। अब हम इसकी डिटेल के बारे में बताते हैं। इसमें सीरियल नंबर 1 इसकी जो कैटेगरी है उसमें जो पोस्ट का नाम है वो डिप्टी रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार है। इसकी जो टोटल पोस्ट है वो 1 पोस्ट है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, यानी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 42 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो दूसरी वैकेंसी है वो कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस की है, इसकी भी 1 पोस्ट है और वो CA विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी CA होना चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। और उसकी जो एज है वो 18 से 42 साल होनी चाहिए। और जो तीसरी वैकेंसी है वो डाई मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है, इसकी 1 पोस्ट है। इसमें MD, MS, MHA ये आपकी डिग्री होनी चाहिए और एज है 45 से 45 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। साइकिलिस्ट की पोस्ट है, इसकी भी 1 पोस्ट निकली हुई है और क्वालिफिकेशन इसकी MBBS, MD, DPM ये इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। और उसकी जो एज है वो 25 साल से लेकर 40 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है अकाउंट्स ऑफिसर की, इसकी भी 1 ही पोस्ट है और इसमें CA विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए और एज है 18 साल से 42 साल की उम्र तक इसमें एज मांगी गई है। और जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो मेडिकल ऑफिसर की है, इसकी भी 1 ही पोस्ट निकली हुई है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मेडिसिन एंड सर्जरी की इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसकी भी एज 18 साल से लेकर 42 साल तक होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेट ऑफिसर की, इसकी भी 1 ही पोस्ट निकली हुई है और जो क्वालिफिकेशन है वो BE BTech की है, इसकी भी एज 18 से 42 साल उम्र मांगी गई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर की है, इसकी भी 1 ही पोस्ट निकली हुई है और इसमें भी ये एज है 18 से 42 साल। तो नेक्स्ट वैकेंसी है वो सेक्शंस ऑफिसर की है, उसमें 3 पोस्ट हैं और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो BCom और वह MCom इसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है और उम्र 18 से 42 साल। नेक्स्ट वैकेंसी है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, इसकी 3 पोस्ट मांगी गई हैं, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, इसकी भी एज 18 साल से 42 साल तक है। नेक्स्ट वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, इसमें 12 पोस्ट मांगी गई है और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और PG डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की, इसकी 3 पोस्ट मांगी गई हैं और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उम्र 18 से 42 साल है। नेक्स्ट वैकेंसी इसमें क्लर्क की है,
कलर्क की जो पोस्ट हैं वो 116 पोस्ट मांगी गई हैं। ये आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और एज है 18 साल से 42 साल। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी स्टेनोटाइपिस्ट की, इसमें 40 पोस्ट निकली हुई हैं और इसमें ग्रेजुएशन विद टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन हो और टाइप की नॉलेज होनी चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 18 साल से 42 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है फार्मासिस्ट की, इसमें आपकी 12 पोस्ट मांगी गई हैं इसमें, और जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 और बी फार्मेसी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। एज आपकी 18। फ्रेंड्स ये वैकेंसी थी, इसके लिए आपके लिए कलर्क की भी वैकेंसी है, इसमें स्टेनो की वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है और हर प्रकार की वैकेंसी है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ही है और इसी आप अप्लाई कीजिएगा। और ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन वैकेंसी है, इसकी जो वेबसाइट है वो आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दिया गया है, उस लिंक पे आप वेबसाइट देख के आप ऑनलाइन कर सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है वो नोट कर लीजिएगा, इसी पे आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों वेबसाइट है www.uhsr.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन करना है। तो फ्रेंड्स ये वैकेंसी थी सारी, अगर आपको फुल डिटेल चाहिए है तो हमारी वीडियो के नीचे पीडीएफ दिया गया है, तो फॉर्म भरने से पहले आप इस पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें आपको फुल डिटेल दी गई है, कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज दी गई है और आपको पोस्ट वाइज हर फुल डिटेल इसके अंदर मिलेगी। तो आप पीडीएफ फॉर्म भरने से पहले इस पीडीएफ को ज़रूर देखिएगा, इसके अनुसार ही आप वैकेंसी भरिएगा, आपको आसानी होगी और आपको हर चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। इसकी पे स्केल भी दी गई है और इसकी जो डिटेल होती है वो सारी डिटेल इसके अंदर है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है वो स्पेशल आपके लिए है और ऐसी वैकेंसी आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल तवर सिंह को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।